हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चिता। एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था और हमको क्या कवर करना है, आज हम वो दिखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में हमने काफी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की आज हम समरी कंप्लीटली फिनिश कर देंगे, जो कि हमारी समरी बची थी, और एनाटॉमी शुरू कर देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मॉर्फोलॉजी की जो समरी है ना, वो आप पढ़ के आएंगे, जैसे कि आपको क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि नहीं हम क्या क्या और इसमें कर सकते हैं, और आपको जो भी और क्यूरीज और डाउट्स रहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स बी कंटिन्यू विद मी। तो आज हम मॉर्फोलॉजी की पहले समरी करेंगे, इसके बाद एनाटॉमी की हम है ना चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सो इस रेडी विद मी। ओके, यस। फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट एनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिटेट एंड हैबिटेट। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज आइदर टैप रूट और फाइबरस। जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैव टैप रूट, व्हाइल मोनोकोटिलेडोनस प्लांट हैव फाइबरस रूट। द रूट इन सम प्लांट गेट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। द रूट सिस्टम इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। द मॉर्फोलॉजी फीचर ऑफ स्टेम लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मल्टीसेलुलर हेयर एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर हेल्प टू डिफ्रेंशिएट दम स्टेम फ्रॉम रूट। स्टेम ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन सच एज स्टोरेज ऑफ फूड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड प्रोडक्टिव अंडर डिफरेंट कंडीशन। लीव इज लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप्ड एक्सोजेनेसली एट द नोड। दीज आर ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स एग्जिबिट मार्कर वेरिएशन इन देयर शेप, साइज, मार्जिन, एपेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लीव ब्लेड लैमिला लाइक अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। द लीव्स ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इंटू अदर सर्फेस सच एज टेंडल्स, स्पाइंस ऑफ फॉर क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन रिस्पेक्टिव। इसमें ये बताया कि लीव का है ना, कुछ लीव्स जो है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमने देखा था, और कुछ टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है। हमने जब हम लीव्स की डिटेल स्टडी कर रहे थे ना, तो हमने एनसीईआरटी पॉडकास्ट उसमें पहले वाला जो पॉडकास्ट था ना, उसमें हमने देखा था। ओके, द फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मेंट ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। दे एग्जिबिट इनऑर्मस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर सिस्टम पोजिशन ऑफ ओवरी इन रिलेशन टू अदर पार्ट अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, सेपल्स, ओव्यूल्स एक्सेट्रा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज कन्वर्टेड इंटू फ्रूट एंड ओव्यूल इंटू सीड। सीड आइदर मे बी मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस। दे वेरी इन शेप, साइज एंड प्रोवाइड ऑफ वायबिलिटी द फ्लोरल कैरेक्टर फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड थ्रू सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। हेंस अ फ्लावरिंग प्लांट इज डिस्क्राइब्ड इन अ डिफाइनेट सीक्वेंस बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स। द फ्लोरल फीचर आर रिप्रेजेंटेड इन द समरीज फ्रॉम ए फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, ये समरी हमारी मॉर्फोलॉजी की यही खत्म होती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हम इस पॉडकास्ट में कंप्लीट करेंगे, कुछ नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6 से क्लास 11 एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में, और बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, द टिश्यू, द सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट और सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारी चीजें हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखने वाले हैं। ठीक है, यू कैन वेरी इजिली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिमिलरली इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो यू शुड द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर प्लांट्स एज द बेसिक यूनिट सेल आर ऑर्गेनाइज इंटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन एंजियोस्पर्म। द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडोप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम टिश्यू की बात करते हैं। अ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल्स का ग्रुप है।
common origin and usually performing a common function. A plant is made up of different kinds of tissue. प्लांट्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से बनते हैं. ये हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम टिश्यू और सेल्स ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें. ठीक है, टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बींग परफॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट. देखो जिस बेसिस पे वो काम करते हैं, जिस बेसिस पे वो काम उनका वो फीचर है ना, उस बेसिस पे उनको परमानेंट और मेरिस्टमेटिक इस बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं. ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टमेटिक. जीके मेरिस्टोस डिवाइड प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम. द मेरिस्टेम व्हिच ऑकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट, व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम. एक्सिस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एन इलांगेशन ऑफ स्टेम. सम सेल लीव बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड. सच बर्ड आर प्रेजेंट इन एक्सियल्स ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर. द मेरिस्टेम विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नॉन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दे अकर इन ग्रासेस एंड रिजर्नेट पार्ट रिमूव्ड बाई ग्राइजिंग. हर्बिवोरस बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. द मेरिस्टेम दैट अकर इन द नेचर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट particularly those that produce woody axis and appear later the later than primary meristem is called the secondary or lateral meristem. They are cylindrical meristem, fascicular vesicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are example of lateral meristem. These are responsible for production or producing the secondary tissue following division of cell in both primary and as well as secondary meristem. The newly formed cell becomes structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. Such cells are termed permanent or mature cell and constitute the permanent tissue during the formation of primary plant body. A specific region of apical meristem produces dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. ठीक है, ये मेरिस्टेम टिश्यू की बात की है. इसमें सारा कुछ उसके बारे में बताया और एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट है ना मेरिस्टेम, इसमें उसको कुछ डायग्राम और फीचर बताया हुआ है. 6.1 फिगर है ये वाला, आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा. ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की इसके बाद. ठीक है, तो अब परमानेंट टिश्यू क्या है ये देखेंगे. द सेल ऑफ द प्लांट परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर. परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉल्ड सिंपल टिश्यू. परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू और सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. द वेरी सिंपल टिश्यू इन प्लांट एंड पेरेन्काइमा कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन. द सेल ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली आइसो डाइएटॉमिक डाइमेट्रिक. दे मे बी स्पेरिकल ओवल राउंड पॉलीगोनल और इलांगेटेड इन शेप. देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज. दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव इंट्रासेलुलर स्पेस. द पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सिक्रीशन. द कॉलेन्काइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मस एंड डाइकोटिलेडोनस प्लांट. इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोलोगस लेयर और इन पैचेस. इफ कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिक्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पैकेटिन. कॉलेन्काइमाटस सेल मे बी ओव्यूल स्पेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट. दिस सेल एसिमुलेट फूड विद व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट. इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना वो परमानेंट टिश्यू में एब्सेंट होती है. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज
young stem and petiole of leaf. Sclerenchyma consists of long narrow sick cell with thick and lignified cell wall having a few or numerous pit. They are usually dead and without protoplast on the basis of variation in form of structure, origin and development. Sclerenchyma may be either fiber or sclerites. The fiber are thick walled, elongated and pointed cell generally occurring in group in various parts of the plant. The sclerites and spherical ovule are cylindrical, highly thick, dead with very narrow cavities, lumen. These are commonly found in the fruit wall of nut, pulp of fruit like guava, pear and sapota, seed coat of legume and leaves of tea. Sclerenchyma provide mechanical support to organ. ठीक है, complex tissue की बात करते हैं अब हम. The complex tissue are made of more than one type of cell. Complex tissue जो है ना वो more than one types of cell के मतलब कि वो है ना different different cell से बने होते हैं, इसलिए उनको complex tissue कहते हैं. ठीक है, and those together as a unit of xylem and phloem. जाइलम और फ्लोएम जिनको जिनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है ना, इनकी काउंटिंग की जाती है इसकी जाइलम और फ्लोएम की. सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट. जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. इट इज कंपोज ऑफ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट, नेमली ट्रेकियर्स, वेसल्स, xylem fiber, xylem parenchyma, gymnosperm, leg vessels. In their xylem, tracheids are elongated or tube-like cell with thick and lignified wall and tapering ends. These are dead and without protoplasm. The inner layer of cell wall have thickenings which vary in form. In flowering plant, tracheids and vessels are the main water transporting element. Vessels in a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessels members, each with lignified wall and a large central cavity. The vessel cells are also devoid of protoplasm. Vessel membranes are interconnected through perforations in their common wall. The presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. Xylem fiber have highly thickened wall and obliterated central lumen. These may either be separate or except xylem parenchyma cell are living and thin walled, and their cell wall are made up of cellulose. They store food material in the form of starch or fat and other substance like tannins. The radial conduction of water take place by the ray parenchymatous cell. Primary cell is of two types, protoxylem and metaxylem. The first formed primary xylem element are also called protoxylem, and later formed primary xylem is called metaxylem. In stem of protoxylem lies towards the central pith, and metaxylem lies towards the periphery of those organs. This type of primary xylem is called endarch. In root, the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center. Such arrangements of primary xylem is called exarch. Phloem transport food material usually from leaves to other parts of the plant. Phloem in angiosperm is composed of CO2 element, companion cells, phloem parenchyma. And phloem fiber. Gymnosperm have albuminous cell and sieve cells. They lack sieve tube and companion cells. Sieve tube element are also long tube like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cells. Their end wall are perforated in a sieve like manner to form the sieve plate. A mature sieve element possesses peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus. Cell, the companion cell are specialized
parenchyma cell, which are closely associated with sieve tube element. The sieve tube element and companion cell are connected by pith field present between their common longitudinal wall. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cell which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has pit through which plasmodesmata connection exists between the cell. The phloem parenchyma store food material and other substance like resins, latex and mucilage. Phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledonous. Phloem fiber, bast fiber are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. The cell wall of phloem fiber is quite thick. At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead phloem. Fiber of jute, flax and hemp are used commercially. The first form, primary phloem, consists of narrow sieve tube and is referred to as protoplasm, protophloem, and later formed phloem has bigger sieve tube and is referred to as metaphloem. The tissue system. We have discussing type of tissue based on the type of cell present. Let us now consider how tissue varying depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. These are epidermal tissue system, the ground fundamental tissue system and vascular कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं. हमने दस टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा है. इसके बाद हम एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू और ये वैस्क्यूलर टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन रूट, मोनोकोटिलेडन रूट, डाइकोटिलेडन स्टेम, मोनोकोटिलेडन स्टेम, लीव, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कम्प्लीट करेंगे. तो आज हम यहीं तक कम्प्लीट करते हैं. इसके बाद आप पहले ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके बाद रिविजन की उसमें, ठीक है. और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है. और इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पॉडकास्ट में मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा है कि आप जब फाइनल, जब इसमें अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें आप, उसके बाद फाइनल रिविजन करें, तो आप ये पॉडकास्ट सुन लें, आपको बहुत इससे फायदा मिलने वाला है, ठीक है. आपको चीजें काफी कुछ क्लियर होती जाएंगी आपको और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये अपना एपिडर्मल टिश्यू से हम कंप्लीट करने वाले हैं. आज कौन सी डेट है? आज है 8/8 को हमने ये यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप सभी को. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय.